हेलो एवरीवन, आज मैं नैनो यूरिया के बारे में आपको बता रहा हूँ। नैनो यूरिया सॉलिड यूरिया का ही तरल रूप है जो एक नैनो टेक्नोलॉजी पर इसे बनाया गया है और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो इफको है इस उर्वरक को बनाने वाले विश्व का पहली कंपनी है और जिसे भारत सरकार का FCO जो होता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 द्वारा इस नैनो यूरिया को अधिसूचित कर दिया गया है। इसका निर्माण गुजरात के कलोल यूनिट में जो इफको की यूनिट है वहाँ पे नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में डॉक्टर रमेश रालिया द्वारा ये बनाया गया है और इफको ने इसे किसानों को 31 मई 2021 को समर्पित किया। इस नैनो यूरिया में एक विशेषता क्या है, इसके आधा लीटर जो 500 ml की बॉटल है वो एक बोरी नाइट्रोजन जो यूरिया फर्टिलाइजर है एक बोरी यूरिया के बराबर इसकी नैनो यूरिया की आधा लीटर बॉटल मतलब 500 ml की बॉटल जो है एक बोरी यूरिया के बराबर इफेक्टिव है। इसमें नाइट्रोजन 4% टोटल नाइट्रोजन ये बालूम और वेट बालूम बेस पर होता है, भार और आयतन बेस पे कुल 4% नाइट्रोजन होता है नैनो यूरिया में। इसमें नाइट्रोजन पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, कम होता है, 20 से 50 नैनोमीटर तक होता है और नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इसकी जो उच्च उपयोग दक्षता है वो 80% से अधिक होती है। इसको जब पत्तियों पर छिड़का जाता है तो स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं उसके माध्यम से एंट्री करता है और पत्तियों की कोशिकाओं द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाता है, जहाँ जो है फ्लावन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो फ्लोएम जो परिवहन द्वारा जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसके माध्यम से जहाँ इसकी पौधे के जिस भाग में आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे वितरित होता रहता है। इसके बाद पाँच सौ एम एल नैनो तरल यूरिया एक बोरी यूरिया के बराबर होती है। इसको प्रयोग करने के लिए 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml नैनो तरल यूरिया को मिलाते हैं और इसको 2 बार छिड़काव करना चाहिए ग्रोथ के समय, पहला शाखाएं बनते समय जो अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद होगा या रुपाई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद या फूल आने से पहले करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर दे रहे हैं जैसे डायमोनियम फास्फेट दे रहे हैं तो उसके माध्यम से जो उर्वरक नाइट्रोजन दिया जाता है तो उसको नहीं बंद करना है, उसको देते रहना है। और नैनो यूरिया एटॉक्सिक नहीं होता है, ये विषैला नहीं होता है, फिर भी प्रयोग के समय फेस मास्क और दस्ताने का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसे स्टोर करने के लिए उच्च तापमान से बचाना जरूरी है और उपयोग करने से पहले खूब अच्छी तरह इसको हिला लेना चाहिए और स्प्रे के लिए फ्लैट फैन नोजल या कटा हुआ नोजल होता है फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करना चाहिए और छिड़काव के समय ओस से बचना चाहिए, सुबह या शाम के समय इसको छिड़काव किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त 4% नाइट्रोजन जो होता है इसमें नैनो तरल यूरिया में तरल नैनो यूरिया लिक्विड में ये 40 ppm के बराबर होता है, 40 ppm पार्ट पर मिलियन। छिड़काव के यदि इसको स्प्रे करने के 12 घंटे के अंदर ही बरसात हो जाती है तो दोबारा इसका छिड़काव करना चाहिए। इसे बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक या 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड में मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है।
इससे जो है उपज में औसत पैदावार जो है 8% की वृद्धि, ये शोध में देखा गया है कि 8% पैदावार बढ़ जाती है। और इसके क्या फायदे हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल तथा फोटोसिंथेसिस दर में वृद्धि होती है, किसानों की आमदनी बढ़ जाती है, इसमें मतलब लागत कम हो जाती है तो आमदनी बढ़ जाएगी। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब पर्यावरण अनुकूल तथा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए उत्तम फर्टिलाइजर है, इससे टिकाऊ खेती आसानी से किया जा सकता है। जो यूरिया फर्टिलाइजर है उससे अगर तुलना किया जाए तो नैनो तरल यूरिया द्वारा इवापोरेशन या लीचिंग के माध्यम से होने वाला नुकसान में कमी होती है। प्राइस, जहाँ तक इसका मूल्य की बात किया जाए तो 500 ml का बोतल का दाम 240 रुपये है, जो 45 kg कि एक बोरी यूरिया से 10% कम है, यानी 45 किलोग्राम की जो यूरिया की एक बोरी है उसके दाम से इसका रेट 10% कम आएगा, क्योंकि ये 500 ml की बोतल एक बोरी यूरिया के बराबर है। प्रयोग किस रेट से करेंगे, किस दर से करेंगे, 4% नाइट्रोजन सांद्र 2 ml पर लीटर वाटर, यानी 1 लीटर पानी में 2 ml नैनो तरल यूरिया डालना है, या अगर 1 एकड़ में छिड़काव करना है तो 250 ml नैनो तरल यूरिया लगेगा, यदि 1 हेक्टेयर में छिड़काव करना है तो 1 लीटर नैनो तरल यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। 1 लीटर को 500 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे कि नैनो लिक्विड यूरिया ओनली यूज बाय स्प्रेइंग, इसको हम केवल छिड़काव के रूप में ही ग्रोथ के सेकंड या थर्ड स्टेज में करते हैं, और बेसल ड्रेसिंग में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ड्रिप के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिए और ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बना नैनो तरल यूरिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल करिए। थैंक यू।